हेलो, वेलकम बैक माय चैनल विथ अनदर ब्लॉग्स। नए ब्लॉग के साथ स्वागत करते हैं। तो अभी है बज रहा 12 बजे, 12 बजे ही मेरा लगभग ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ 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 काम करते करते सोचते हैं कि अब स्टार्ट करें ब्लॉग, तो टाइम नहीं मिल पा रहा। तो हम अभी स्टार्ट किए हैं ब्लॉग, और ये आंगन में थोड़ा सा अभी मुँह भी सूखा सूखा जैसा लगता होगा, क्योंकि मन ठीक नहीं है। और अभी पीछे का गेट खुल के देख रहे थे कि क्या क्या मतलब है, और पहले से तो इधर देख ही रहे आप लोग कितना साफ साफ हो गया है। ये वो कुर्सी है, ड्राम है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बहुत वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग का कमेंट्स का। समझ में ही नहीं आता है कि क्या बनाए वीडियो, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है, सिर्फ देख देख कर छोड़ देते हैं आप लोग। तो सोचें कि इस बार बोल के देखते हैं कि आप लोग शायद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो हम बैठे हुए हैं, चलिए आज का रेसिपी है, और रेसिपी के साथ कुछ बातें भी हो जाएगी हम लोगों का। ब्लॉग कैसा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा, और 2 महीने से नहीं वीडियो डाले तो मिस किए हैं कि नहीं वो भी बताइएगा। तो ब्लॉग है मतलब रेसिपी है, सॉरी ब्लॉग बोल रहे हैं, आज का रेसिपी है, देखते हैं क्या है घर में। उसी का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो रेसिपी है आज का बैंगन का कलौंजी। ये जो बैंगन है, जो छोटा छोटा बैंगन आता है, इसका कलौंजी बहुत अच्छा लगता है। किनको किनको पसंद है एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि हमको भी पसंद है और बहुत दिन से बना नहीं है, तो सोच रहा है जिसका कलौंजी बनाए। छोटे छोटे कलौंजी है, छोटा छोटा बैंगन है, इसका कलौंजी अच्छा लगेगा बनाने में। तो चलिए आज इसका रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। और बीट्स भी है, बीट ये भी किनको किनको पसंद है खा सकते हैं एक बार, ये भी बताइएगा। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदा देता है। चलिए इसको पहले धो लेते हैं फ्रेश से, उसके बाद इसका बढ़िया से कलौंजी बनाते हैं, टेस्टी टेस्टी। तो बैंगन को इस टाइप से छोटा छोटा, देखिए बीच से ऐसे फाड़ ले, और मेरा इतना बैंगन है रेडी है, इसको फाड़ ले। और यहाँ पर थोड़ा सा प्याज काट के रखे हैं, और ये सरसों का मसाला है, जैसे आप सरसों मछली उछली बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, उसी टाइप से इसका मसाला पीस ले। और अब प्याज भी अब लाल हो गया है, अब इसमें मसाला डाल के इसको भून लेंगे। अब मसाला देखिए इस टाइप से नमक डालकर भून लेना है आपको, तो कढ़ाई शायद काला दिखता होगा लेकिन काला है नहीं, यहाँ से देखिए इस टाइप से भून लेना है मसाला। अब इसमें भर लेना है, एक बार बनाइएगा बार बार खाइएगा। जिनको जिनको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और जिनको नहीं पता हो इस टाइप से बनाइएगा। अगर दूसरा तरीका का भी कोई रेसिपी है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो रेसिपी हम बताएं आपको ये अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा खाने में, लगेगा जैसे अभी तो सावन चल रहा है, जिनको जिनको मतलब मछली उछली खाने का आदत है तो ये सब खा सकते हैं बना करके, बहुत टेस्टी लगने वाला है। और अब इस टाइप से इसको रख लेना है भर के, और यहाँ पे तेल भी गरम करना है। तो एक मतलब बताते हैं, शायद पता होगा कि कोई कोई खाना बनाता है या फिर कुछ भी चीज़ बनाने पर है ना चिपक जाता है, जैसे भुजिया भूज रहे हैं तो चिपक जा रहा है, कलौंजी बना रहे हैं तो चिपक जा रहा है, या फिर कुछ भी चीज़ बना रहे हैं
तो चिपक जा रहा है। तो चिपकने का सबसे बड़ा उपाय है और सबसे बड़ा गलती ये है कि आप कढ़ाई को बढ़िया से गर्म नहीं करते हैं, तेल को बढ़िया से गर्म नहीं करते। अगर तेल बढ़िया से हीट हो जाए तो कोई भी चीज़ चिपकेगा नहीं। तो आप लोग जब भी खाना बनाइए या फिर आप लोग का चिपकता हो पहले को जिसको पता होगा तो अब अच्छा बात है, जिसको नहीं पता उस पर हम बता रहे हैं कि अगर बार बार चिपक रहा है तो आप इस टाइप से कढ़ाई को बढ़िया से गर्म कर ले तो उसे चिपकेगा नहीं। ये पहले मेरा साथ भी बहुत होता था तो हम अपना मम्मी पास मतलब मम्मी से हम दो तीन बार पूछे कि ऐसे क्यों चिपक जाता है, तो मम्मी बताई कि तेल को बढ़िया से गर्म करके बनाओ तो कभी चिपकेगा नहीं। गैस स्लो कर देंगे तो मध्यम मध्यम आंच में ये होते रहेगा। तो अब हम जल्दी जल्दी है ना क्या बोलता है चढ़ा कर खाना और जाके नहा लिए क्योंकि मेरा लेट हो रहा था। ऐसे तो हम 10 बजते नहा लेते हैं लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, घर का काम करते करते गर्मी भी ज़्यादा है, थोड़ा लेट आराम मिलता है। और ये मेरा यहाँ पर मछली वाला कलौंजी तैयार है, देखते हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं प्लेट में डालकर। ये देखिए ये जो कलौंजी है इस टाइप से रहेगा। और जिनको जिनको ये कलौंजी पसंद है तो एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, या फिर जिनको दूसरा तरीका से भी आता है बनाने का तो वो भी बता सकते हैं, हो सके कि मेरा से कुछ अलग हो और टेस्टी हो तो एक बार कमेंट्स कर बताइएगा। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारा बदमाश बाबू से भी मिल लीजिए क्योंकि हम तब से इससे मिलवाए नहीं हैं। अरे बेटा तुमसे मिलवाए नहीं है ना, चैनल को क्या कीजिए क्या करें और लाइक करें और थैंक यू। तो छोटा बच्चा का शायद आप लोग सुन ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए थैंक यू ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए। जो आगे बोले वही है ना बेटा। और एक बार ऐसे कलौंजी बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगने वाला है। सावन का समय है, इस टाइप से बनाइएगा तो आप लोगों को मीट मछली का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है।